मुंबई का हमारा पहला आगमन है और जिले के सभी अधिकारियों को अपनी प्राथमिकताएं हमने बताई हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, शासन और सरकार की जो नीतियां हैं उसको 100% अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें सर्किलवार कुछ समीक्षाएं की गई हैं, आने वाले दिनों की चुनौतियों के हिसाब से पुलिसिंग के उसमें क्या क्या बदलाव लाए जाने की आवश्यकता है, कितना उनको टू डेट करने की आवश्यकता है, कितना सक्रिय करने की आवश्यकता है, उस पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। चौकीदारों को बीट पर कांस्टेबल्स को और हल्के के दरोगाओं को विशेष कर इंटेलिजेंस गैदरिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है और आगामी 7 से 10 दिन के बीच में इस पर कार्रवाई शुरू करने की जिला पुलिस अधीक्षक सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने ऑफिसेज में जनता को से मिलेंगे, उनको उपलब्ध रहेंगे। कोरोना से नेसेसरी जितने एहतियात हैं उसको समावेश करते हुए और जितने प्रिकॉशंस हैं उसको अडॉप्ट करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित। प्रवासी श्रमिकों के गांव आगमन पर और उनके स्वास्थ्य के दृष्टि से जो निगरानी करनी है वो प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं और उस पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गाँवों में क्या उसकी स्थिति रहेगी उस पर भी हम निगरानी कर रहे हैं। हमने जैसा बताया कि चौकीदारों के माध्यम से, ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से तथा पीठ के कांस्टेबल्स और हल्का के दरोगाओं के माध्यम से इंफॉर्मेशन गैदर करके अगर कहीं कोई किसी प्रकार के तनाव की सूचना आती है तो उस पर प्रिवेंटिव जितने मेजर्स हैं हम अमल में लाएंगे, सख्त कार्रवाई।